கிட்டு நின்னு கிட்டு தின்னா தின்னா தாகிரு தக்கு தக்கு தின்னா தின்னா நின்னுக்கிட்டு நின்னு கிட்டு தின்னா தின்னா தாகிரு தக்கு தக்கு தின்னா தின்னா கிட்டு தக்கு 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 தாகா கிட்டு தக்கு 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 தாகா राधे राधे। अब आप ठहरे ब्रह्म ज्ञानी, अब आपको क्या बताऊं भगवान। गीता घर में रखी तो है लेकिन समय नहीं मिलता कि मैं उसको पढ़ पाऊं। पंडित जी, हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है जो कि रात को बिना गोली खाए नींद ही नहीं आती। दिनचर्या को कैसे सुधारूं? पर हाँ, जब कभी मुझे गोली खाकर नींद नहीं आती तो मैं भगवत गीता जी का एक पेज पढ़ लेता हूँ जिससे मुझे गहरी नींद आ जाती है। यजमान, गीता जगाने का काम करती है ना कि सुनाने का। और वैसे तो मैंने कल गीता प्रवचन रखा ही है, तो आप लोग जरूर आइएगा ताकि आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल सके। राधे राधे। राधे राधे। लेकिन कल जरूर आना। हाँ जी 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 जी। पता नहीं मैंने पिछले जन्मों में कौन से पुण्य कर्म किए हैं। तभी तो भगवान, ओ मेरे कान्हा, तूने मेरी जीवन की डोर इनके हाथों में दे दी। पता है मेरे कान्हा, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। इनका स्वभाव
बिल्कुल सरल है, तुम्हारी तरह। कुछ भी बोलो, कभी किसी चीज के लिए रोकते नहीं, मना नहीं करते। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। कितनी कितनी मुझे खुशी हो रही है, सोच सोच कर भी इतना अच्छा लग रहा है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं छूते। और हर काम कितना समय पर करते हैं। देखो अपने आप ही सोच सोच के कितना खुश हो रही हूँ। अभी कोई देखेगा ना मुझे तो सोचेगा पागल हो गई है। ओ, देखो आ भी गए। चलो मैं नाश्ता। ओहो पहले बेल तो खोल, घंटी दरवाजा तो खोल के आऊ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 100 साल उम्र है आपकी, अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा, देखो जब से मैंने कथा वाचन शुरू किया है तो आपके साथ साथ कृष्ण भगवान ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक समय था कि मैं गीता वाचन की प्रसिद्धि को लेके और उनको घर घर तक कैसे पहुंचाऊं इस बात को लेके मैं चिंतित रहता था, बट वो प्रॉब्लम भी तुमने ही सॉल्व कर दी। राधे राधे, ना तुम मुझे गीता प्रवचन के लिए प्रेरित करती और ना ही मेरी इतनी प्रसिद्धि होती। इसका पूरा श्रेय मैं तुम्हें देना चाहता हूं, असल में तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो। और आज देखो हर घर घर में, इस पूरे शहर में मैं प्रसिद्ध हो चुका हूँ। राधे राधे। कृष्ण को भूल गए हैं क्या? आप भी ना, पर आप कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना नाश्ता तो करेंगे नहीं ना, तो मैंने भोग की थाली भी लगा दी है, आप भोग लगा दीजिए। समय जो एक बार गया तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा, और हम समय को खरीद नहीं सकते, इसलिए हर चीज समय पे करें तो उसके अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी महान शक्ति होकर गई है जिसने समय को ही अपने अधीन किया था। समय थम सा गया था, थोड़ा रुक सा गया था, वो है कालों के काल श्री भगवान कृष्ण। आप कहते हैं श्री कृष्ण भगवान शक्तिशाली हैं और थे, तो क्या वो द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक सकते थे? क्या वो पांडव को बिना युद्ध के राजगद्दी नहीं दे सकते थे? इतनी बड़ी महाभारी महाभारत लड़ाई लड़ने की क्या आवश्यकता थी? 18 दिनों तक दोनों सेना यूं ही खड़ी थी, क्या उनके मन में नहीं चला कि ये क्या चल रहा है? वो तो भगवान की लीला है, कोई तो कारण बनता है, तभी तो हम सबको गीता का ज्ञान मिला। श्री कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को ज्ञान दिया और तभी तो उसका लाभ हम कलयुग में ले रहे हैं। अगर द्वापर के बाद कलयुगी आना था तो गीता ज्ञान देने का क्या फायदा? क्योंकि गीता ज्ञान देने के बाद तो सतयुग आना चाहिए, ना कि कलयुग। और जहाँ तक मैंने सुना है कि गीता ज्ञान तो संजय और धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, तो उनका मोह क्यों नहीं भंग हुआ? उन्होंने क्यों नहीं दुर्योधन को जाकर समझाया? ये तो काल चक्र है, द्वापर के बाद कलयुग तो आना ही है, और अर्जुन का मोह तो टूटना ही था वही तो विधि के विधान में लिखा था, इसमें भगवान क्या करते? और जो खुद रूल्स बनाते हैं वो रूल्स कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसलिए हर युग में उनको धरा पर आना ही पड़ता है, सत्य धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश करने। महाराज, महाभारी महाभारत लड़ाई में काफी खून खराबा हुआ था, और उसके बाद पांडवों ने केवल 36 वर्ष तक ही राज्य किया। क्या इतने लोगों को मारना हिंसा नहीं है? श्री कृष्ण भगवान तो जानी जानन हार थे, वो तो युद्ध को रोक भी सकते थे, बल्कि सभी धर्म वाले भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। उनके ऊपर प्रश्न करना अर्थात अपने भाग्य पर लकीर खींचने जैसा होगा। वो कहते हैं ना
सद्गुरु का निंदक थोर ना पाए, गुरु से कभी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, वरना भगवान उन्हें बीच में ही लटका देंगे। वचन महाराज, महाराज की जय हो। जी, ये महिमा मेरी नहीं है, श्री कृष्ण भगवान की है। ये देवों के देव है ज्ञानेश्वर, ज्ञान के भंडार है, ब्रह्मांड के ईश्वर है, मुरली मनोहर है, आदि देव है, और ये तो प्रकृति है, और इसके रचयिता श्री कृष्ण जी है, और प्रभु के चिंतन के लिए भगवत गीता का प्रवचन होना चाहिए, और इससे ही आपका घर आश्रम हो जाएगा। कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको तो पता ही होगा। देवों के स्वामी है, और इनसे सोच समझ कर प्रश्न पूछिएगा। कब तक सोती रहोगी? समय जा रहा है, समय को जानो, समय को पहचानो, समय बहुत अनमोल है, बस मुझे याद कर। बज गए, रात के 2 बज गए, तो देखा ही नहीं। मेरी आंख क्यों नहीं खुली? पता नहीं इन्होंने खाना खाया भी होगा या नहीं। ओहो, मैं सोती कैसे रह गई? यशोदा, सुबह डांट खाने के लिए तैयार हो जा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। रात को भी मैं सोती रह गई, सुबह भी इन्होंने मुझे जगाया नहीं। सुनिए, सुनिए, उठ जाइए, मैं चाय बना रही हूँ। इन्होंने रात को खाना भी पता नहीं खाया होगा या नहीं खाया होगा, रात भी मुझे नहीं जगाया। हे भगवान, क्या हो गया? रात को चाय डाल के लेकर आती हूँ। आ गए आप? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए।
जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? हे भगवान, सब ठीक तो है? हाँ, चाय ढक देती हूँ, ठंडी हो गई तो फिर और गुस्सा। ओ मेरे काना, सब ठीक तो है? काना, लाख योनियों में मनुष्य ही है जो पैसे कमाता है। अन्य कोई जीव यहाँ भूखा नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति ने सभी के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर लिया है। तो आप सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए इस दुनिया में सर्वशक्तिमान कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो इस दुनिया में सबसे धनवान हो। अच्छा, जिसके पास पोस्ट, पद और पोजीशन हो। नहीं नहीं, देखिए, इस दुनिया में सर्वशक्तिमान वही है जिसके पास संतुष्टता का धन हो। वो कहते हैं ना, जो प्राप्त हो वही पर्याप्त है। शास्त्री जी, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। पंडित जी, जब रात होती है तो दिन नहीं होता, और जब दिन होता है तब रात नहीं होती। तो ये बात आपने कल स्पष्ट की ही थी, जैसे हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, स्वर्ग में देव और राक्षस एक साथ कैसे हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो भगवान अवतरित हुए थे। जब भगवान का अवतरण हुआ तब इस धरती पर कंस, जरासंध जैसे पापी थे, और उन्हीं का वध करने के लिए भगवान स्वयं यहाँ पे अवतरित हुए थे। अपना कर्तव्य करने, अधर्म का विनाश करने और सत्य धर्म की स्थापना करने। चलिए, आपकी बात भी मान ही लेते हैं भगवान, परंतु सतयुग में और त्रेता युग में भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? वहाँ तो वैसे ही देवी देवताओं का वास होता है। देवता और असुरों की लड़ाई हर युग में होती है, और हर युग में उन्हें अलग अलग अवतार लेने होते हैं। और आप सभी को पता है, जब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था तब परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ था, और 1000 सूर्य से भी वो ज्यादा था। तब अर्जुन ने उन्हें कहा कि बस करे भगवान, मैं इन्हें अपनी आँखों द्वारा नहीं देख सकता। तभी अर्जुन कहते हैं, क्या वासुदेव, क्या तुम ही परमात्मा हो? तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर उन्हें 24 अवतार अपने दिखाए। जब जब साधु संतों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तब तब धर्म की रक्षा करने परमात्मा युगे युगे आते हैं। कलयुग बच्चा है, अगर ऐसा मान ले तो दुनिया के हालात 5000 वर्ष में ही कितने खराब हो गए हैं, जो हम अपनी आँखों से देख ही रहे हैं, तो करोड़ों सालों में इस दुनिया की क्या हालत हो जाएगी? कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये सब छोड़िए। शास्त्री जी, आपको तो क्रोध आ रहा है, और गीता में लिखा है क्रोध माँ शत्रु है। अगर कोई इस दुनिया से देह त्याग करता है तो हम कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब अभी तक वो नर्क में था, और अब वो स्वर्ग में चला गया तो उसे वहाँ 56 भोग नहीं मिल रहे होंगे। फिर हम यहाँ का खाना उसे क्यों खिलाते हैं, उसे भोग क्यों लगाते हैं? और अगर इतने लोग स्वर्ग में जा रहे हैं तो इस दुनिया की आबादी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? एक मिनट सुनिए, आप लोगों ने मुझे यहाँ सुनने बुलाया है या फिर सुनाने के लिए? अगर आप सभी को ये वाहियात प्रश्न ही पूछने हैं तो किसी दूसरे कथावाचक को बुला लीजिए, ठीक है ना? जैसे अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासा शांत की, उसी तरह मैं प्रश्न पूछ कर अपनी जिज्ञासा शांत कर रही हूँ। इतना तो अधिकार है ना मुझे? आप सभी लोग प्रभु चिंतन में अपना समय बिताइए। ओ मेरे काना, हे भगवान, हे प्राणेश्वर, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने सोचा था कि कल रात इन्हें गरम गरम खाना बनाकर खिलाऊंगी और आज सुबह इनकी मनपसंद का नाश्ता बनाऊंगी, पर सुनो ना ही तो मैं कल रात को उठ पाई और आज सुबह भी मैं लेट उठी। भगवान आप, कोई सपना होगा। भगवान आप, मुझे दर्शन दे रहे हैं। तुम्हारा मुंह तो मैं रोज देखता हूँ, तुम्हारी नवदा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। सच में? तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश किया है, तभी आज मैंने तुम्हें आके दर्शन दिए। तुम मेरे सिर्फ दर्शन से ही खुश होगी? दर्शन से क्या फायदा है? ओ मेरे प्यारे कान्हा, एक भगत को क्या चाहिए, उसे उसके इष्ट के, उसके भगवान के दर्शन हो जाए, उसका दीदार हो जाए। मेरी अब कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, मुझे बस आपका दीदार हो गया। समझदार हो, क्या तुम मेरे साथ वैकुंठ में राज्य करना चाहोगी? कान्हा, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। और वैकुंठ में राज्य तो क्या, मैं अगर आपके साथ आपकी गोप गोपिका या दासी भी बन गई, मेरे लिए तो वो भी मेरा अहो सौभाग्य। भगवान, आप मेरे साथ कोई लीला तो नहीं कर रहे हैं? कहीं मेरी आंखें और मेरे कान धोखा तो नहीं खा रहे हैं? आपके साथ राज्य करना तो छोड़िए, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा नाम मेरे दिल के बेहद करीब है यशोदा। और हाँ, मुझे भी तो किसी ने विश्व महाराजन बनाया था। कान्हा, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको भला कोई क्या बनाएगा, आप तो स्वयं इस पूरे जग के निर्माता हो। तुम सबसे यही तो भूल हुई है, और उसी भूल को सुधारने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। कान्हा, अब मुझे पता लगा, आप आज मेरे साथ कोई लीला करने के प्रयोजन से आए हैं, आप मजाक कर रहे हैं। ये समय मजाक का नहीं है, ये समय है प्रसाद करने का। और हाँ, प्रालप मैं नहीं देता, इसी का महत्व दुनिया नहीं जानती। भगवान, कहीं आप कल की अवतार की तो बात नहीं कर रहे? आपने कल की अवतार ले लिया है क्या भगवान? यही तो सब बोल बोल कर ग्लानी की है, भगवान की भी और मेरी भी।
और भगवान की? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भी तो रास्ते लग दिया गया मेरे आराध्य द्वारा। वह न सिर्फ मेरे आराध्य थे बल्कि इस दुनिया के हर मनुष्य के वो आराध्य। ये बात ना तुमने जानी ना दुनिया। मेरी तो दिन की शुरुआत आपसे और खत्म भी आप पर ही होती है, भला हम आपकी ग्लानी क्यों करेंगे? सुनो, ना मैं जेल में पैदा होता हूँ, ना मैं पीपल के पत्ते पर, और ना ही मैं कोई गावड़े का छोरा हूँ। काना, भगवान भी आप हैं, इष्ट भी आप हैं, हम सबके प्राणेश्वर भी आप हैं, सब कुछ तो आप ही हैं। आपसे ऊपर भला कौन है इस दुनिया में? आपको सुबह से कोई और नहीं मिला ना बनाने के लिए, इसीलिए आप आज मेरा इतना मजाक बनाने के लिए आए हैं। ऊपर से आप इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। गीता में जैसे आटे में नमक मिसल ज्ञान है और उसमें से परमात्मा का नाम गुम कर दिया है, इसलिए किसी को भी ये ज्ञान नहीं है कि परमात्मा कौन है। पहली बात तो ये, परमात्मा का कोई गुरु नहीं होता, वह स्वयंभू है और उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बनता हूं, परमात्मा नहीं। परमात्मा हमारे पिता है, टीचर है, सदगुरु है, पर मैं नहीं। परमात्मा भाग्य विधाता है, दाता है, पर मैं नहीं। परमात्मा सदा पावन है और मैं श्याम से सुंदर बनता हूं, इसलिए मेरा नाम श्याम सुंदर रखा गया है। काना, आप तो स्वयं परमात्मा है ना, और आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। और अगर आप परमात्मा नहीं है तो आप ही बताइए कि परमात्मा कौन है? परमात्मा रचता है और मैं उनकी रचना हूँ। मैं अमीर और फकीर बनता हूँ पर परमात्मा नहीं। परमात्मा ज्ञान के सागर है, मैं खुद गुरुकुल में शिक्षा लेता हूँ। तो यही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ वैकुंठ में राज्य करना है तो अभी वो समय चल रहा है जब तुम्हें परमात्मा को पहचानना होगा, क्योंकि इसी समय परमात्मा अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया। मन मना भव मध्य जी भव। अर्थ क्या होता है? अरे आप कहाँ चले गए? अब मुझे कौन बताएगा? कम से कम परमात्मा का पूरा पता तो बता के जाते। और ये मन मना भाव मध्याजी भाव का अर्थ इनको भी नहीं पता होगा। काना, आपको ही बताना पड़ेगा। आप फिर आएंगे?